हेलो एवरीवन वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल लोक अदालत डिस्पोज्ड ऑफ़ ओवर 2.5 लाख डिस्प्यूट्स इन अ डे एक दिन में लोक अदालत के द्वारा 2.5 लाख डिस्प्यूट को डिस्पोज किया गया द नेशनल लोक अदालत ऑन दिसंबर 9 ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्पोज ऑफ टू ट्वेंटी पेंडिंग केसेस द अथॉरिटी सेड ऑन ट्यूजडे याद रखना ये जो नेशनल लोक अदालत है ये पूरे कर्नाटका स्टेट में हर कोर्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था और सारे कोर्ट ने दिसंबर नाइन के दिन टोटल टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट्टी पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया डिस्पोज किया लोक अदालत इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मेकानिज़म अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ ये है कि एक तो आप जान रहे हैं कि सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट उसके बाद हाई कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तो एक फॉर्मल सिस्टम है इसके अलावा एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज़म होता है ए जिसे लोक अदालत कहा जाता है इंडिया में और भी ए डी आर एम है जैसे आर्बिट्रेशन है मेडिएशन uh, है कौंसिलेशन है तो वो एक अलग uh, वो अलग चीज़ें हैं यहाँ लोक अदालत की बात चल रही है तो लोक अदालत जो इस्टाब्लिश हुआ था अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में इसे इस्टैब्लिश किया गया था और 2015 से नेशनल लोक अदालत इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है दिसंबर नाइन को जो ये अदालत ऑर्गेनाइज हुआ था लोक अदालत ये कर्नाटका के पूरे स्टेट में इंटायर स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया गया था ए डी आर एम इन्वाल्व्स वेरियस मैथड्स ऑफ़ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्स आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम तो जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है मैंने अभी तुरंत बताया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फिर हाई कोर्ट है फिर सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है तो उसके बाहर कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का एक दूसरा तरीका कहा जाता है एडीआरएम यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकनिज्म और ऐसे और भी हैं इंडिया में लाइक आर्बिट्रेशन मेडिएशन एंड कंसिलियन दे हैव प्लेड की रोल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशियरी जुडिशियरी के बर्डन को कम करने में इस लोक अदालत ने बहुत ही बड़ा रोल अपना निभाया है या फिर जितने भी ए डी आर एम्स हैं सब ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बिकॉज दे आर स्पीडी चीपर एंड मोर एमिकेबल अप्रोच टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट ओके अगर टायर्स की बात करें कितने स्तर पर ये इस तरह से संगठित होता है तो नेशनल लोक अदालत है स्टेट अथॉरिटी लेवल है हाई कोर्ट लेवल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल है एंड ताल्लुक लेवल भी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल लेवल लोक अदालत आर हेल्ड फॉर एट रेगुलर इंटरवल्स वेयर ऑन ए सिंगल डे लोक अदालत आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री जोरिस्टिक्शन की बात करें तो डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेट तो या तो प्री लिटिगेशन स्टेज में है या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस पेंडिंग में है तो ये लोक अदालत में यहाँ पर विवाद को सुलझाया जा सकता है नेचर ऑफ केसेस सिविल केसेस मैट्रीनो मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स लैंड डिस्प्यूट पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स लेबर डिस्प्यूट्स पावर क्या है तो हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सी सॉरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ओके 1908 तो उसके ये कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट को जितना पावर होता है उतना एक लोक अदालत को पावर होता है सेम पावर होता है डिसीजन अवार्ड आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज नो अपील शेल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड तो इतना पावरफुल होता है ये लोक अदालत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गुड बाय